Yes, sarkar. So next chapter number 12, tax invoice, debit note, credit note and other documents. सुनना बच्चों ध्यान से, section number 31 कहता है tax invoice किसको issue करना है, कब issue करना है, दिल थाम के सुनेगा. In case of goods, in case of goods tax invoice is required to be issued. कब तक? 30 दिन. अबे ओ, वो services में. In case of goods, in case of goods tax invoice is required to be issued on or before removal of the goods, जहां पे भी movement of the goods involved होता है. और जहां movement of the goods involved नहीं होता है, वहां पे जब मैंने goods customer को available करवाया उस दिन या उससे पहले मेरे को बिल इश्यू करना पड़ेगा. और हाँ सर, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स केस में मैं जब सप्लायर और बायर जब कॉन्ट्रैक्ट करते तो उसमें लिखते हैं कि पीरियडिकली या तो मैं उसको स्टेटमेंट इशू करूंगा या पीरियडिकली मुझे सर पेमेंट देगा. तो सर पीरियडिकली स्टेटमेंट मैंने इशू किया है या पीरियडिकली उसने मुझे पेमेंट किया है, तो जिस दिन वो स्टेटमेंट इशू हो रहा है या मुझे पेमेंट आ रहा है पीरियडिकली, उस दिन मेरे को उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. ओके सर, टैक्स इनवॉइस अगर मान लो कभी भी आपने गुड्स अप्रूवल बेस भेजा है, कैसे भेजा है सर, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल बेसिस, तो आपको डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स भेजना है, आपको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है. पर वो टैक्स इनवॉइस हैज टू बी इशूड कब, या तो उसने अप्रूवल दे दी बेटा क्लियर, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर. तो सर उस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. हाँ है ना, तो 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल और अप्रूवल या सप्लाई हो गया जिस दिन विच एवर इज अर्लियर सर, उस दिन आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. और हाँ अगर मान लो सर कभी भी गुड्स रिटर्न होता है तो क्रेडिट नोट इश्यू होता है. हाँ है ना, वो बात करेंगे बाद में हम. ओके सर्विसेज केस में, किस केस में बच्चों, सर्विसेज केस में, इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस के 30 दिन के अंदर आपको बिल इशू करना पड़ेगा. इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में 45 डेज का टाइम दिया हुआ है. और हाँ अगर कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्या है बच्चों, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस, पहली बात तो कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते किसको है, अगर कोई भी सर्विस इज प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और कॉन्करेंटली और रिकरेंटली फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड एक्सेडिंग 3 मंथ, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस प्लस एनी द सर्विस विच में बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट, पर एट प्रेजेंट कोई भी नोटिफाई नहीं करी. पर हाँ इसका मतलब ये हो गया 3 महीने से ज्यादा जो भी कंटिन्यूसली आप प्रोवाइड करेंगे सर्विस उसको बोलेंगे कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस. वहां पर टैक्स इनवॉइस कब इशू करना डिपेंड्स सर, क्या डिपेंड सर, 3 केस बनेंगे. फर्स्ट, अगर रेसिपिएंट को पेमेंट की लायबिलिटी रहती है टूवर्ड सप्लायर किसी एक इवेंट के पूरे होने पर, तो जब वो इवेंट पूरा होगा उस दिन मान लेंगे कि उतने अमाउंट की सर्विस कंप्लीट हो गई है और उस दिन या उससे पहले बिल इश्यू करना पड़ेगा. सेकंड, अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है कि पीरियडिकली आपको इस दिन इतना पेमेंट करना है, तो जब ड्यू डेट आएगा उस दिन या उससे पहले पहले, ड्यू डेट या उससे पहले पहले आपको उतने अमाउंट का इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. थर्ड केस, अगर ना ड्यू डेट फिक्स है, ना ड्यू डेट फिक्स है, ना कोई इवेंट फिक्स है जिस पर रेसिपिएंट की लायबिलिटी रहती है, तो ऐसे केस में जब जब रेसिपिएंट सप्लायर को पे करेगा तब तब उतने उतने अमाउंट का इसको इनवॉइस उस दिन या उससे पहले सप्लायर को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. क्लियर, ये है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस प्लस इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी को बोल दिया कि आप चाहे तो अपने ही डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सर्विसेज देते हो तो आप चाहे तो क्वार्टरली बेस पे, क्या बोला बच्चों, क्वार्टरली बेस पे एक सिंगल इनवॉइस इशू कर सकते हो बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर. क्लियर, समझे मेरी बात. ओके अब साहब ध्यान देना, अगर मान लो सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया, तो जितने अमाउंट की सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी उतने का बिल इशू करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा. क्लियर, समझा, ये थी बातें किसके रिगार्डिंग, टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग. और हाँ एक बात और, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, आई रिपीट, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200 और कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो ऐसे केस में आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करने की जरूरत नहीं है. सर आई रिपीट, अगर कस्टमर B2C है, कस्टमर कौन है, एंड कंज्यूमर है, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं है, और ₹200 से कम का सप्लाई अगर है तो आप चाहे तो उसका टैक्स इनवॉइस इश्यू ना करें, पर ₹200 का तो टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. और हाँ रेसिपिएंट बोलता है कि नहीं मेरे को तो बिल चाहिए, तो देना पड़ेगा सब, और B2B है तो ₹1 का भी बिल अगर है तो देना ही पड़ेगा बच्चों आपको. ओके सरकार, पर इस केस में क्या करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस डेली, टैक्स इनवॉइस आपको हर ट्रांजैक्शन इशू नहीं किया तो क्या इशू करना ही नहीं क्या, अरे डे एंड पर सर बुक्स क्लोज करने से पहले आपको एक कंसोलिडेटेड बिल इशू करना पड़ेगा कि मैंने आज पूरे दिन में ये ट्रांजैक्शन इतने किए जिनका मैंने बिल इशू नहीं किया. एक सिंगल बिल आप कंसोलिडेटेड खुद इशू कर दीजिएगा अपने रिकॉर्ड्स के लिए. ओके सरकार, अब बात आती है क्या टैक्स इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए. सबसे पहले ऊपर क्या होगा, श्री गणेश आए, अबे ओ तुम्हारी इच्छा हो लिखो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर टैक्स इनवॉइस में लॉ में क्या क्या लिखा है, रूल 46 में सबसे पहले सर सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, देन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइसेज, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर विच शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, एंड दिस सीरियल नंबर शुड नॉट एक्सीड 16 कैरेक्टर्स, और ध्यान 16 डिजिट इंक्लूड, भले आपने कोई स्पेस भी दिया, साइन कोमा लगाया, स्लैश लगाया, डैश लगाया, सब कुछ क्या है, ये 16 कैरेक्टर में, 16 डिजिट में काउंट होंगे बेटा. ओके सर, फिर बायर का नाम,
एड्रेस, जीएसटी नंबर अगर बाहर रजिस्टर्ड है तो, और बाहर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 50,000 या उससे ज्यादा का बिल अगर है तो कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस और जिस स्टेट में गुड्स आ रही है और प्लेस ऑफ डिलीवरी ये लिखा होगा। पर अगर 50,000 से कम का बिल है तो कस्टमर चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन लिखवाया, नहीं तो कोई बात नहीं, लिखा चल जाएगा कस्टमर का नाम एड्रेस, क्लियर। ओके, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, उसका HSN कोड, क्लियर। देन सर रेट ऑफ टैक्स, क्या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग से लिखा होगा, और बिल टू शिप टू मॉडल अगर है तो सर बिल टू बाहर का नाम होगा, शिप टू जहां डिलीवर कर रहे हो उसका एड्रेस जरूर लिखा होगा। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, देन टैक्स का अमाउंट, CGST है, SGST है या IGST, उसकी रेट ऑफ टैक्स भी लिखेंगे आप, क्लियर। टोटल अमाउंट और सिग्नेचर बेटा, हाँ है ना, और डिजिटल बिल इश्यू किया तो सिग्नेचर नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ये सब कंटेंट लिखा होना कंपलसरी ऑन अ टैक्स इनवॉइस, क्लियर। भले वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, पक्का बच्चों। अब आ रहा है क्या, अगर आपने कोई एग्जम सप्लाई किया, क्या क्या बार आपने एग्जम सप्लाई किया जिसपे GST नहीं लगता, तो ऐसे केस में यू हैव टू इश्यू अ बिल ऑफ सप्लाई। अगर आप GST में रजिस्टर्ड हो तो आप क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। कंटेंट क्या होंगे, वही सारे जो टैक्स इनवॉइस के होते, बस उस पर GST का अमाउंट नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस नहीं लिखा होगा बेटा, ऊपर लिखा होगा बिल ऑफ सप्लाई। एंड यस, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली हुई है, भले गुड्स वाली कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ वाली या 50 लाख वाली, सर्विसेज वाली कंपोजिशन स्कीम, सारे केस में बिल ऑफ सप्लाई ही इशू करेंगे बेटा, क्लियर। क्योंकि यू कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस इन सच केसेस, क्लियर, डन। सर अब ध्यान देना बेटा, अगर आपके कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है और आपकी दुकान पर कुछ गुड्स टैक्सेबल है, कुछ गुड्स एग्जम्प्ट है, तो आप चाहे तो सिंगल बुक भी रख सकते हैं, उसको बोलते हैं इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। आप ऊपर लिख देंगे इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, अगर कस्टमर आपके अनरजिस्टर्ड और कुछ गुड्स आपके टैक्सेबल है, कुछ गुड्स एग्जम्प्ट है, तो आप चाहे तो सिंगल बिल बुक रखे, अलग अलग बिल बुक रखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, पक्का बच्चों माहौल। अब सर आता है पॉइंट क्या, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, क्या था माहौल, रिवाइज टैक्स इनवॉइस। ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है, मान लो आप लायबल टू रजिस्टर थे 14 फरवरी को और सर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया विद इन 30 डेज, 1 मार्च को अप्लाई कर दिया, 4 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो सर 14 फरवरी से आपकी लायबिलिटी आएगी। पर सर 14 फरवरी से 4 मार्च तक जो आप ऑलरेडी बेच चुके होंगे गुड्स, जो सप्लाई कर चुके होंगे, उस पर आपने टैक्स इनवॉइस तो इश्यू किया नहीं होगा, पर सर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया है सर, उस दिन आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो 14 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक जो भी बेचा है, उन इनवॉइसेस का रेफरेंस नंबर देकर आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो, उस पर टैक्स का अमाउंट लिख सकते हो, उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे बायर को क्रेडिट मिल जाएगा, क्लियर। ओके यार, ये था रिवाइज टैक्स इनवॉइस, और रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड विद इन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। 1 महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, क्लियर माहौल। सर सुनिए क्या बात को ध्यान से, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, सेक्शन 34 बोलता है क्या सर, क्रेडिट नोट की बात कब आएगी, अगर आपने कभी भी एक्सेस वैल्यू डिक्लेयर कर दिया था बिल पर और बाद में पता पड़ा वैल्यू तो कम है इसका, या आपने कभी भी एक्सेस टैक्स चार्ज कर दिया जबकि बाद में पता पड़ा कि रेट तो कम थी टैक्स की, थर्ड सर आपने जो गुड्स की क्वांटिटी भेजी वो थोड़ी कम भेजी थी, बाद में गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, या क्वालिटी जो आपने भेजी थी वो सही नहीं थी, उसकी वजह से प्राइसेस रिवाइज होकर डाउनवर्ड हो गए, तो ऐसे केस में जितनी वैल्यू कम हुई है उतने अमाउंट का आप क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे, उसमें कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स जो कम हुआ है उस वो टैक्स का अमाउंट भी उस क्रेडिट नोट पर लिखेंगे, और जो क्रेडिट नोट आपने इशू किया है उसके बेस पर आपकी लायबिलिटी उस महीने की कम हो जाएगी। पर कंडीशन क्या है, इट शुड बी लिंक्ड विद द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस, प्लस रेसिपिएंट जो बायर था आपका उसने उतना प्रोपोर्शनल ITC रिवर्स किया होना चाहिए बेटा, क्लियर। डेबिट नोट क्या होता है सर, प्राइसेस बढ़ गए किसी वजह से, या आपने टैक्स का पहले कम चार्ज किया था फिर पता पड़ा कि रेट तो सर 18 था हमने लगाया 12, तो 6% का एक्स्ट्रा डेबिट नोट आपको इशू करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में जब डेबिट नोट इशू करेंगे तो उस डेबिट नोट के बेस पे बायर को ITC मिल सकता है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस ऑफ द ITC। ओके सर, ध्यान देना, क्रेडिट नोट के लिए सेक्शन 34 ने बोला हुआ कि अगर कभी भी लायबिलिटी कम करनी क्रेडिट नोट इशू करना है तो क्रेडिट नोट कैन बी इशूड एट एनी टाइम बट नॉट बियॉन्ड आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इशू हुआ था उसके बाद उसे खत्म होने के नेक्स्ट सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो, और डेबिट नोट इशू करने का कोई लिमिट नहीं है। और ध्यान रखना, डेबिट नोट हो या क्रेडिट नोट हो सर, मल्टीपल इनवॉइसेज के लिए सिंगल क्रेडिट नोट या सिंगल डेबिट नोट भी इशू हो सकता है, ईच इनवॉइस वाइज आपको अलग अलग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया तो ऊपर लिखा होगा क्या, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, एज द केस में भी फिर वही सारे कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस में लिखे होते हैं वो सब लिखे होंगे बेटा आपके। ओके प्लस ध्यान रखना, अगर आपने कभी सेक्शन
नंबर 74, 129 या 130 की वजह से एक्स्ट्रा टैक्स पे किया और फिर आपने डेबिट नोट इश्यू किया, क्लियर, तो उस डेबिट नोट की वजह से सर फ्रॉड किया आपने बेटा, सेक्शन नंबर 74, 129 या 130 डिपार्टमेंट ने फ्रॉड पकड़ लिया आपका और उस फ्रॉड की वजह से आपको टैक्स पे करना पड़ा और उस टैक्स का अमाउंट आप कस्टमर से रिकवरी कर रहे हो थ्रू डेबिट नोट, तो ऐसे डेबिट नोट के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा क्या ITC इज नॉट अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेबिट नोट। और सर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर आई में पॉइंट कवर है कि आपको ब्लॉक क्रेडिट में कवर है और इसका ITC नहीं मिलता है इस तरह के डेबिट नोट के केस में बेटा, क्लियर डन। सर अब बात आती है क्या, अगर मान लो कभी भी आपको एडवांस रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है आपको एडवांस, तो आप क्या इशू करेंगे रिसीट वाउचर और रिसीट वाउचर में वो सारे कंटेंट लिखेंगे जो टैक्स इनवॉइस में लिखे होते हैं बेटा, क्लियर। और हाँ ध्यान देना बेटा सर्विसेज के केस में, किसी केस में सर्विसेज के केस में एडवांस आने पर भी टैक्स पे करना पड़ता है। अब टैक्स पे करना है तो सर सवाल आता है कितना पे करना, जो रेट ऑफ सर्विस होगी उतना करना है। पर मान लो मैं मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, कुछ पे रेट 5% है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है और सर आपने सारी सर्विसेज के लिए मेरे को सब मिला कि 5 लाख रुपये एडवांस दिया और बाद में बोला कि देख, और बोला आपने क्या जब एक्चुअल सर्विस लूंगा तब देख लेंगे किसका अमाउंट कितना होगा, तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ रिसीट वाउचर मुझे नहीं पता कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगना है, तो सर ऐसे केस में एक बार जनरली कितना है 18% टैक्स लगा देना। अच्छा कस्टमर ने मेरे से सर्विस लेने के लिए एडवांस पे किया पर सर उस टाइम ये डिफाइन नहीं था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा कि इंटरस्टेट सप्लाई होगा, तो ऐसे केस में एक बार इसको इंटरस्टेट मानते हुए IGST पे कर देना। ये क्या है रिसीट वाउचर के केस में, अगर ये डिफाइन नहीं हो रहा है तो, अदरवाइज डिफाइन है तो जो रेस्पेक्टिव टैक्स लगता है वो लगाइएगा बेटा। ओके सर फिर बताते हैं क्या, अगर आपको कभी एडवांस आया आपने रिसीट वाउचर इशू किया फिर बाद में किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या किसी भी वजह से आपको कस्टमर को वो अमाउंट रिफंड करना पड़ा, तो यू विल हैव टू इशू अ रिफंड वाउचर डॉक्यूमेंट जिसका नाम क्या होगा रिफंड वाउचर, और रिफंड वाउचर में वही कंटेंट है जो रिसीट वाउचर में लिखे थे, बस इसमें रिसीट वाउचर का क्या आएगा रेफरेंस आएगा और जितना अमाउंट आपने रिफंड किया है उतना आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी और जिस महीने में आपने रिफंड वाउचर इशू किया उस महीने में आप उतना अमाउंट गवर्नमेंट से रिफंड ले सकते हो थ्रू फाइलिंग द रिफंड फॉर्म बेटा। हाँ है ना, क्लियर डन। सर आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपने ऐसा कोई इनवर्ड सप्लायर लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है और अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को खुद पे टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा और ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस में वही सारे कंटेंट होंगे जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस में रूल नंबर 46 में लिखे। प्लस जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा तब एक वाउचर और इश्यू करेगा, उसका नाम होगा क्या पेमेंट वाउचर, और सर पेमेंट वाउचर में लिखेगा कि मैंने वो सप्लायर था उसको मैंने उसका नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखेगा वही जो टैक्स इनवॉइस में कंटेंट होता है, प्लस मैंने इसको इतना पे किया इस वजह से पे किया इस सप्लायर के लिए पे किया बेटा, क्लियर। ये सब कुछ मेंशन होगा किस पे पेमेंट वाउचर पे बच्चों। तो सर आपने क्या क्या पढ़ लिया, टैक्स इनवॉइस रिवाइज टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई रिसीट वाउचर रिफंड वाउचर देन सर पेमेंट वाउचर डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ रहा है क्या डिलीवरी चालान वेन एवर गुड्स का मूवमेंट होता है और मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज अदर देन द अदर देन सप्लाई। सर सप्लाई होगा तो टैक्स इनवॉइस इशू होगा पर अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में कोई तो डॉक्यूमेंट साथ में चाहिए तो ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द गुड्स यू विल हैव टू इशू अ डिलीवरी चालान। देखो बेटा ईवी बिल अलग चीज है, ईवी बिल की बात करेंगे बाद में हम। सर डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा अगर टैक्स इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अगर मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है तो, और डिलीवरी चालान में क्या क्या लिखा होगा वो सारे कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस में लिखे होते हैं वो सारे कंटेंट डिलीवरी चालान पे भी लिखे होंगे, बस फर्क इतना सा है कि टैक्स इनवॉइस इशू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है पर डिलीवरी चालान इशू करते वक्त टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है, क्लियर। और ये भी सीरियल नंबर होना चाहिए बेटा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। ओके सर टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट डिलीवरी चालान जितने भी मैंने पढ़ा है सब सीरियल नंबर होंगे बेटा, क्लियर। जो टैक्स इनवॉइस का सिस्टम होता है वही सब सिस्टम इनमें भी चलते हैं। ओके बच्चों अब आता है क्या स्पेशल प्रोविजंस इन। अच्छा एक और बात डिलीवरी चालान के रिगार्डिंग एक और बात कर लेता हूं आपसे। सर डिलीवरी चालान का भी इशू होता है, जैसे जॉब वर्कर का कोई गुड्स भेजना आपको या कभी कोई सर गुड्स रिपेयरिंग के लिए आपको भेजना है मशीनरी रिपेयरिंग के लिए भेजनी है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच भेजनी है विद इन द सेम स्टेट जो डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है जो सप्लाई नहीं होता है बेटा, क्लियर। सर लिक्विड गैस का सप्लाई ट्रांसपोर्ट करना है आपको, तो इन सब के केस में आप डिलीवरी चालान इशू कर सकते हो बच्चों। प्लस सर ध्यान देना CKD कंडीशन SKD कंडीशन में कोई मशीनरी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो आप क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो बेटा मशीनरी, तो ऐसे केस में भी क्या होगा आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है बेटा, जब भी पहाड़ से लोड्स में गुड्स जाता है तो जब फर्स्ट लोड निकलेगा तब पूरी वैल्यू का आप टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे बट यू विल नॉट सेंड द टैक्स इनवॉइस अलोंग विद द फर्स्ट लोड, यू विल हैव टू सेंड द टैक्स इनवॉइस व्हाइल सेंडिंग द लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट, और फर्स्ट लोड जब निकलेगा टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा मतलब टैक्स की लायबिलिटी आ जाएगी। पर सर आप टैक्स इनवॉइस ओरिजिनल कब भेजेंगे बायर को, सर जब लास्ट लोड या लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा तब। और हाँ सुनना बच्चों ध्यान से,
जब हर इंस्टॉलमेंट जाएगी तब क्या करेंगे आप, ओरिजिनल इन्वॉइस का फोटोकॉपी लगाएंगे और साथ में डिलीवरी चालान इशू करेंगे उस पर्टिकुलर पार्ट या कंपोनेंट का, क्लियर। और डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स जाएगा और लास्ट लोड जब जाएगा तब ओरिजिनल टैक्स इन्वॉइस जाएगा, और उस ओरिजिनल टैक्स इन्वॉइस जब लास्ट लोड के साथ जाएगा बायर के पास तब जाके उस बायर को आईटीसी मिलता है बेटा, क्लियर। ये बात हमने आईटीसी में पढ़ी थी, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजो माहौल। सरकार पॉइंट आता है क्या, इन केस ऑफ जीएसटी सर, इन केस ऑफ जीएसटी स्पेशल प्रोविजन इन सर्टन केसेस सर, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के केस में बोल दिया क्या आपको 45 डेज का टाइम है इन्वॉइस इशू करने का, प्लस सर यहाँ पे बोल दिया क्या आप बिल पर कस्टमर का नाम नहीं लिखेंगे चल जाएगा सर, सॉरी सीरियल नंबर नहीं लिखेंगे चल जाएगा, और एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट नहीं लिखेंगे चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। और हाँ सर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को बोल दिया क्या आप इंस्टेड ऑफ इशूइंग इनवॉइस आप कोई भी स्टेटमेंट भी इशू कर देंगे मंथली, वो भी चल जाएगा, और वो भी चॉइस दे रखी है, कंपलसरी नहीं मंथली मंथली स्टेटमेंट इशू करना भी आपके लिए, ओके सर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस केस में जो टिकट इशू होता है बेटा टिकट, उसी को टैक्स इन्वॉइस मान लेंगे, अलग से टैक्स इन्वॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीरियल नंबर ऑफ द इन्वॉइस नहीं हुआ चल जाएगा सर, रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा होगा चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ना कंपलसरी है। और हाँ, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी केस में सर उसका टैक्स इन्वॉइस तो होगा ही होगा, साथ में एक डिलीवरी चालान भी उसको इशू साथ में उसको कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना पड़ता है, तो कंसाइनमेंट नोट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो सभी टैक्स इन्वॉइस में लिखी होनी चाहिए बेटा। तो ये लिख दिया क्या कंसाइनमेंट की डिटेल्स, जैसे उसका वजन कितना है, नंबर ऑफ पार्सल्स कितने हैं, गुड्स कैरिज का नंबर कौन सा है बेटा, क्लियर, कि गुड्स कैरिज नंबर ये है, व्हीकल नंबर ये है, कंजाइनर का नाम, कंजाइनी का नाम, जीएसटी पे करने के लिए लायबल कौन है, कंजाइनर, कंजाइनी या जीटीए खुद, वो सब भी लिखा होगा अलोंग विद द इनवॉइस, क्लियर। प्लस मूवी देखने जब जाते हो आप, जाते हो क्या अभी, अभी नहीं जाने का बड़ा, पढ़ाई करने का माहौल एकदम जबरदस्त, तो सर मल्टीप्लेक्स थिएटर में जब आप सिनेमाटोग्राफ मूवी देखने जाएंगे, आप फिल्म देखने जाएंगे, तो उसका जो टिकट होता है बड़ा उसी को इन्वॉइस माना जाएगा, अलग से कोई इन्वॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। और वहां पे सर रेसिपिएंट का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा चल जाएगा, सीरियल नंबर नहीं होगा चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉनिकली अगर बिल इशू होता है तो उस पर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होता है। प्लस ध्यान देना सर, ध्यान हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि 200 रुपये से कम का बिल अगर है, कितने से 200 से कम का अगर इनवॉइस है, 200 से कम की अगर वैल्यू है, तो B2C के केस में आपको इनवॉइस इशू करने की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं, कस्टमर बोलेगा तो इशू करना है। पर मूवी सी केस में अगर मल्टीप्लेक्स थिएटर में मूवी देखने गए तो 200 रुपये से कम का टिकट भी है तो भी उसको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, वहां पे 200 रुपये वाली जो बेनिफिट था वो नहीं मिलता है मूवी सी केस में बेटा, क्लियर डन। ये स्पेशल केस भी खत्म होते हैं। अब आइए सर, कुछ सर्कुलर भी दिए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं हम, और देख लेता हूं कोई पॉइंट रहा तो नहीं जो रिलेवेंट था। माहौल हो रहा है सर जबरदस्त। हाँ, ना इन केस ऑफ गुड्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड इन थ्री कॉपीज, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर एसएससी हिमसेल्फ। सर्विसेज में दो कॉपी, ओरिजिनल फॉर बायर, डुप्लीकेट फॉर एसएससी हिमसेल्फ। और हाँ, एचएसएन कोड अगर प्रीवियस फाइनेंशियल में आपका टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम था तो आपको एचएसएन कोड लिखने की जरूरत नहीं है। और प्रीवियस फाइनेंशियल में अगर आपका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक का था तो ऐसे केस में केवल दो डिजिट एचएसएन कोड, फर्स्ट दो डिजिट जो चैप्टर का नाम होता है वो। और अगर प्रीवियस में टर्नओवर आपका 5 करोड़ से अबव था तो ऐसे केस में 4 डिजिट एचएसएन कोड आपको लिखना पड़ेगा, चैप्टर का नाम और हेडिंग नंबर बेटा, क्लियर। माहौल सरकार, ध्यान देना कोई इनवॉइस का फॉर्मेट फिक्स नहीं है, इनवॉइस का कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं है, कंटेंट दे रखे, ये कंटेंट के हिसाब से आपको बिल इशू करना है, ऑनलाइन बिल इशू करना कंपलसरी नहीं। हाँ, नवंबर सर ध्यान रखना, जिनके May 21 एग्जाम्स होंगे उनके लिए बता रहा हूं सर, कुछ एसएससी को नोटिफाई कर देंगे गवर्नमेंट, नोटिफाई किया है कुछ गवर्नमेंट ने कुछ एसएससी को और बोल दिया कि कुछ लोगों को ऑनलाइन ही बिल इशू करना पड़ेगा, पर वो भी एप्लीकेबल नहीं, ना नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है ना ऑब्वियस बात है July 20 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं, May 21 के लिए हो सकता है वो एप्लीकेबल हो जाए, तो बात करेंगे आगे और, क्लियर, समझे मेरी बात। माहौल सर, सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब कुछ सर्कुलर बचे हुए मुझे बताने और देख लेता हूं। अच्छा, ISD इनवॉइस, ये सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सर, ISD क्या करता है, क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करता है बेटा। जब वो ISD अपना क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो कैसे करेगा, फोन पे करेगा क्या, नहीं, वो इशू करेगा ISD इनवॉइस। क्या क्या लिखेगा उस पर सर, सप्लायर मतलब खुद ISD का अपना नाम, GST नंबर, उसका एड्रेस, देन किसको ट्रांसफर करा, अपनी किसी दूसरी यूनिट को ट्रांसफर करा है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका GST नंबर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ ISD इनवॉइस, देन कितना अमाउंट वो ट्रांसफर करा और सिग्नेचर बेटा, क्लियर। प्लस इसमें एक बात और आ गई बेटा, मान लो, अरे दुख रहा है कान, भयंकर माहौल सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है कि इन केस अगर आप सप्लायर और सर्विसेज के, मैं रेसिपिएंट सर्विस का, मेरा हेड ऑफिस ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहा मुंबई नरीमन पॉइंट, और मेरा एक और फैक्ट्री है अंधेरी में ही, आपको मैंने GST नंबर दे दिया गलती से, किसका, फैक्ट्री का, और सर बिल देना था आपको, GST नंबर देना था कौन सा, ISD वाला, आपने सप्लाई किया, आपने जो GST नंबर लिखा वो कहाँ का लिख दिया,
मेरी अंदर ही फैक्ट्री का लिख दिया। अब सर अंदर ही फैक्ट्री तो मेरी नॉर्मल फैक्ट्री, वो आईएसडी नहीं है। आईएसडी का बिल जाना था कहाँ पर, सॉरी आपका बिल जाना था कहाँ पर, आईएसडी के पास, और गया कहाँ पर, फैक्ट्री में। अब ऐसे केस में फैक्ट्री पूरा क्रेडिट ले भी नहीं सकता और फैक्ट्री डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए सोल्यूशन दिया इन्होंने और बोल दिया क्या कि अगर आईएसडी जिस स्टेट में, उसी स्टेट में अगर मेरी दूसरी यूनिट है जिसके नाम पर आपने बिल लिखा है, सेम स्टेट अगर है, सेम राज्य है, तो ऐसे केस में वो स्टेट, वो यूनिट जो आपने बिल लिखा है एज इट इज, वो का वो बिल लिख देगा किसको, आईएसडी को। तो आपने बिल लिखा फैक्ट्री को, फैक्ट्री ने सेम बिल लिख दिया किसको, आईएसडी को, वैल्यू ऑफ सप्लाई भी सेम लिखा बेटा। तो क्या होगा, आपका क्रेडिट गया यहाँ पे और यहाँ से क्रेडिट चला गया कहाँ पे, आईएसडी पे, और आईएसडी पे जाने के बाद क्रेडिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है बच्चों। क्लियर डन माहौल, ये आईएसडी इनवॉइस के रिलेटेड बात भी खत्म होती है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, सर्कुलर क्या कहते थे, दो तीन बात कर लेते उसके रिगार्डिंग। ये बोला बच्चों कि कभी भी मैं सेल ऑन अप्रूवल बेस पे गुड्स लेके निकला बेटा, सर मैंने क्या किया, कस्टमर को पसंद आएगा तो खरीदेगा, नहीं तो वापस लेऊंगा। सर मैं क्या करता हूँ, एवरी सैटरडे मेरा बिजनेस ये है कि मैं ज्वेलरी बेचता हूँ होलसेल में, और मेरी एक वैन है, मेरी एक कार है, मैं कपड़े बेचता हूँ, वो कार में मैं सारी ज्वेलरी या कपड़े वगैरह फिल कर लेता हूँ और कार लेके निकलता हूँ, कस्टमर के यहाँ जाता हूँ, कस्टमर को पसंद आता है तो उसको बेचता हूँ, सर उसने जितना खरीदे खरीदे, आगे जाता हूँ फिर नेक्स्ट कस्टमर को बेचता हूँ, क्लियर, और अकॉर्डिंगली। तो ऐसे केस में जब मैं मॉर्निंग में निकलूंगा तो मैं क्या करूँगा, डिलीवरी चालान इशू करूँगा कि जैसे 1000 शर्ट थे मेरी कार के अंदर बेचने के लिए, तो 1000 शर्ट का मैं क्या करूँगा, डिलीवरी चालान इशू करूँगा और बिल बुक साथ में लेके जाऊँगा। फिर जब कस्टमर के यहाँ जाऊँगा, कस्टमर ने 100 शर्ट पसंद कर लिए, 100 शर्ट उसने परचेज कर लिए, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा, 100 शर्ट का टैक्स इन्वॉइस इशू कर दूंगा उसको। नेक्स्ट 200 परचेज किए, 200 का टैक्स इन्वॉइस इशू कर दूंगा, और शाम को आते वक्त केवल 200 शर्ट बचे थे मेरे पास, तो सर अब मेरी गाड़ी किसने पकड़ ली, तो मैं क्या बोलूँगा, देखो 1000 का डिलीवरी चलान था और बाकी 800 शर्ट की ये टैक्स इन्वॉइस, रिमेनिंग 200 मेरे पास है। वो बोलेगा चल निकल, दिस इज हाउ डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी डन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में। क्लियर। सेम वे अगर कोई आर्टिस्ट है, जैसे मैं आपको पता ही बहुत बड़ा शानदार, यू नो सर क्या करता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, और आपने मेरी राइटिंग देखी कितनी शानदार पेंटिंग बनाता हूँ, दिमाग खराब हो जाए, मतलब समझ रहे हो मेरी बात आप। सर अब ऐसे केस में मैंने पेंटिंग बनाई और एक कोई आर्ट एग्जीबिशन कर रहा है, उसने बोला साहब इस एग्जीबिशन जब तक आपकी पेंटिंग हैंग नहीं होगी तब तक हमारा एग्जीबिशन सक्सेसफुल नहीं है। मैंने कहा माहौल जबरदस्त, और सर मैं अपनी पेंटिंग वहाँ भेज रहा हूँ। अब वो सेलो ने अप्रूवल बेस पे बेटा एग्जीबिशन में वहाँ पे पेंटिंग हैंग की जाएगी, कस्टमर देखेगा, नाम दिखेगा मंगल, ओ जल्दी से खरीद लेगा बेटा वो। तो सर जब मेरे यहाँ से वहाँ एग्जीबिशन में पेंटिंग जाएगी तब अगेन डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगी बेटा, क्लियर। वहाँ पेंटिंग अगर बिकेगी तो टैक्स इन्वॉइस इश्यू कर दूंगा मैं, और जब पेंटिंग वापस आएगी तो डिलीवरी चालान के थ्रू आ जाएगी। ओके, अब बात आती है क्या, ये जो पेंटिंग मैंने बेची या मैंने जो कार के थ्रू सेल किया था बेटा, वो सेम स्टेट में सेल हुआ तो CGST और SGST लगेगा। पर अगर मैं पेंटिंग बेचने के लिए जो एग्जीबिशन था वो किसी और स्टेट में हुआ था, या जब मैं कार से गुड्स बेचने गया था सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, तो ऐसे केस में वो किसी और स्टेट में गया था, तो ऐसे केस में बिल पे IGST लगा दूंगा क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा बेटा। क्लियर डन। ओके सरकार, ये था सर्कुलर। अच्छा एक और पॉइंट आता है, अगर आपने कोई सैंपल एग्जीबिशन के लिए भेजे है पर आउट ऑफ इंडिया भेजे बेटा, आउट ऑफ इंडिया सेल ऑन अप्रूवल बेस पे अगर आपने गुड्स भेजा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसका भी सर्कुलर लास्ट टाइम इश्यू हुआ था। सुनिए बात को ध्यान से, शानदार पॉइंट है। पॉइंट ये कहता है कि जब मैं गुड्स भेजूंगा तो डिलीवरी चालान के थ्रू भेजूंगा, क्यों, क्योंकि सप्लाई तो हुआ नहीं है। अच्छा उसको जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं कहेंगे क्योंकि सप्लाई नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ विच आर मेड टू SEZ यूनिट और डेवलपर या एक्सपोर्ट किया आपने, जब वो सप्लाई ही नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है। तो जब मेरे यहाँ से गुड्स निकलेगा आउट ऑफ इंडिया के लिए तब डिलीवरी चालान के थ्रू जाएगा बेटा, कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब आपको पता है सेल ऑन अप्रूवल बेस पे होता है तो या तो उसकी अप्रूवल आ जाए तो सप्लाई हो जाएगा, या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, हाँ है ना, उस दिन टैक्स इन्वॉइस इशू करना पड़ता है। अब साहब गुड्स जब बाहर गया तब क्या होगा, मेरे को डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, प्लस एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट दे रखा है सर्कुलर में, उस सर्कुलर के थ्रू मेरे को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उस फॉर्मेट में मेरे को रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। प्लस सर गुड्स या तो 6 महीने में आ जाना चाहिए वापस, या फिर 6 महीने में उसने पसंद करके ओके कर देना चाहिए, यस रख रहा हूँ मैं गुड्स। अब अगर उसने गुड्स की अप्रूवल दे दी बेटा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ तो सप्लाई हो गया, सप्लाई हो गया तो आई विल इश्यू अ टैक्स इनवॉइस। और ध्यान रखना बेटा सिंस गुड्स ऑलरेडी जा चुके हैं तो अब पता है जीरो रेटेड सप्लाई केस में, एक्सपोर्ट केस में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप IGST पे करके एक्सपोर्ट करो, या फिर बॉन्ड या LOD साइन कर दो और आपको सेल पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर सिंस इस केस में तो गुड्स ऑलरेडी इंडिया से बाहर जा चुका है तो वहां IGST पे करने का ऑप्शन नहीं है, वहां पे आपको बॉन्ड या LOD केस ही करना पड़ेगा। और ऐसे केस में आपको IGST पे करने वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा,
बस ऐसे केस में देना, क्योंकि गुड्स ऑलरेडी इंडिया से बाहर जा चुका है, अब आपको आईजीएसटी पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बस इनपुट में जो टैक्स पे कर दिया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ध्यान देना बेटा, यहाँ पे एक्सपोर्ट माना जाएगा कि यू हैव एक्सपोर्टेड द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, और उसमें काम आने वाले इनपुट्स का आपको आईटीसी मिलता है, आईटीसी काम नहीं है तो यू कैन क्लेम द रिफंड, और ऐसे केस में आप रिफंड ले सकते हो। और हाँ, खास बात सरकार ने ये भी बोल दिया कि जब आपने गुड्स बाहर भेजा था तब ये कन्फर्म नहीं था कि सप्लाई होगा कि नहीं होगा, आपने अंडर द कवर ऑफ डिलीवरी चालान आपने गुड्स भेजा था, इसलिए भले आपने बॉन्ड या एलओडीज नहीं भी साइन किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनपुट पे जो टैक्स पे किया आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। इनपुट पे जो टैक्स पे किया इनपुट इनपुट सर्विस उसका रिफंड आपको मिल जाएगा, ऑल्दो आपने बॉन्ड एलओडी साइन नहीं किया था बेटा, पर सेल पे आईजीएसटी पे करने वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ओके सरकार, अगली बात आती है इसके अंदर क्या, जब अगर मान लो उसने 6 महीने में अप्रूवल नहीं दी, 6 महीने में अप्रूवल नहीं दी और गुड्स आया भी नहीं, तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी सप्लाइड, और सप्लाई अगर हो गया तो ऐसे केस में आपको टैक्स इंडिया से चुकाना पड़ेगा, पर सिंस गुड्स इंडिया से बाहर गया इसलिए आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। पर यहां पर सर्कुलर ने बोल दिया कि अगर 6 महीने में अप्रूवल नहीं आया या फिर 6 महीने में आपने गुड्स मंगाए भी नहीं वापस से आए भी नहीं, तो ऐसे केस में सप्लाई तो मान लीजिए पर उसके अंदर काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस का हम रिफंड ग्रांट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट्स आपने इंडिया से बाहर भेजी थी ऑन अप्रूवल बेसिस एग्जीबिशन में या सेल ऑन अप्रूवल बेस पे, उसमें से 60 यूनिट का विद इन 6 मंथ अप्रूवल आ गया, तो 60 यूनिट तो सप्लाई हो गया, अच्छा 60 यूनिट पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, उसका बस टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे आप, और 60 यूनिट में काम वाले इनपुट इनपुट सर्विस का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। रिमेनिंग 40 यूनिट अगर 6 महीने के अंदर रिटर्न हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, और हाँ ये 40 यूनिट जब रिटर्न होगी तो इसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, इस पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, कस्टम इसके नोटिफिकेशन तो इसको एग्जाम किया हुआ है, और जब वो गुड्स वापस इंडिया में आएगा तब ना तो कस्टम लगेगा ना इस पे कोई आईजीएसटी लगेगा 37 वाला बेटा, क्योंकि कस्टम नहीं लगता तो 37 भी नहीं लगता है। ओके, अब वो 40 यूनिट मान लो इंडिया में आ गई तो कोई टैक्स नहीं बेटा, पर 40 यूनिट आई भी नहीं विद इन 6 मंथ नहीं आई ना उन्होंने अप्रूवल दिया, तो ये 40 यूनिट मान लेंगे डीम्ड टू बी सप्लाइड और टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, पर सिंस आउट ऑफ इंडिया गया इसलिए आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, पर एट द सेम टाइम उसमें काम आने वाले इनपुट इनपुट सर्विस का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब आउट ऑफ 100 यूनिट्स 60 यूनिट का ही आपको इनपुट इनपुट सर्विस जो काम आया है उसका रिफंड मिलेगा, 40 यूनिट के इनपुट इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं मिलेगा, प्रोपोर्शनल रिफंड मिलेगा बच्चों आपको। तो ऐसे केस में कंक्लूजिवली क्या हो बेटा, आपको आउट ऑफ 100 यूनिट्स 60 यूनिट पे कोई टैक्स पे नहीं करना, 40 यूनिट पे भी कोई टैक्स पे नहीं करना, पर 60 यूनिट जिसका अप्रूवल आ गया था विद इन 6 मंथ उसके इनपुट इनपुट सर्विस का रिफंड मिल जाएगा, पर 40 यूनिट के इनपुट इनपुट सर्विस का कोई रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब आपको प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और 60 यूनिट के रेस्पेक्ट में जो इनपुट इनपुट सर्विस का है उसी का रिफंड मिलेगा बेटा, और 100 यूनिट जो आपने आउट ऑफ इंडिया भेजी उसमें किसी पर भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक्सपोर्ट हुआ है बेटा। ओके सर, अगली बात आती है एक और सर्कुलर, अगर कभी दवाई मेडिसिन आपने यहां से इंडिया से बाहर भेजा बेटा, वापस बोलता हूँ मैं सर, मेडिसिन के रेस्पेक्ट में पॉइंट आता था, मेडिसिन तो एक एग्जांपल था इसमें, इट मे बी इन एनी केस अगर कोई आपने गुड्स भेजा है तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू किया होगा बेटा। अगर मान लो जैसे दवाई के केस में क्या होता बेटा, दवाई एक्सपायर हो जाती है आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड, उसकी एक्सपायरी डेट के बाद वो जब मेडिसिन रिटर्न होता है क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा बेटा। अब मान लो कोई मेडिसिन जिसका टाइम एक्सपायर हो गया है वो मेडिसिन स्टॉक में रह गई, तो सर मेडिसिन के केस में वो गुड्स सब रिटर्न लेना कंपलसरी मैन्युफैक्चरर को, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब गुड्स मैंने ओरिजिनली बेचा होगा तब टैक्स इनवॉइस इशू क्या होगा बेटा, तो जब गुड्स रिटर्न होगा तो क्या होगा, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। जब रिटेलर भेजेगा किसको, होलसेलर को, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, उतने इन्वेस्ट का कर देगा, उतने अमाउंट का कर देगा जितने अमाउंट का टैक्स इन्वेस्ट था बेटा। और होलसेलर क्या करेगा, जितने मैंने उसको दवाई बेची थी उतना जितना यूनिट जितनी यूनिट मेरे पास आ रही है उतनी यूनिट का वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा। और सर क्या होगा ऐसे केस में, सर जिस जिसने क्रेडिट नोट इशू किया है उनका उतना उतना लायबिलिटी, सॉरी क्रेडिट नोट इशू तो सप्लायर करता बेटा, आई रिपीट सर, इन केस अगर दवाई रिटर्न हो रही है, दवाई अगर रिटर्न हो रही है तो जो रिटर्न कर रहा है वो क्या करेगा, डिलीवरी चालान इशू कर देगा बेटा, और जिसने गुड्स बेचा था वो क्या कर देगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा। जैसे होलसेलर रिटेलर को क्रेडिट नोट इशू कर देगा, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को क्या इशू कर देगा, क्रेडिट नोट, और वो डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स मेरे को भेज देंगे। अच्छा मैंने ओरिजिनल जितने बेचा होगा उतने अमाउंट का मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया, अब क्रेडिट नोट इशू कर दिया तो मेरी उस महीने की उतनी लायबिलिटी कम हो गई, क्लियर। पर कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए, सेम इज द केस विद द होलसेलर एंड रिटेलर। रिटेलर क्या करेगा, जब दवाई भेजेगा किसको, होलसेलर को, तो डिलीवरी चालान के थ्रू भेज देगा, और होलसेलर क्या करेगा उसको क्रेडिट नोट इशू कर देगा उतने अमाउंट का जितने अमाउंट की दवाई आई है बेटा। अरे क्लियर, समझा मेरी बात बच्चों, और सुनो बच्चे ध्यान से, सर आपको बताया क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम कितना है, अब क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम तो सब फाइनेंशियल खत्म होने के बाद
सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर मान लो दवाई दो साल बाद आ रही है, सब दो साल की लाइफ थी दवाई की, उसके बाद आ रहा है तो क्रेडिट नोट इश्यू करने का टाइम तो खत्म हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, सर्कुलर बोलता है काम कर, रिटेलर को बोलना तू उस दवाई को बेच दे किसको, होलसेलर को, और होलसेलर को बोलते कि वो दवाई एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच देगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। दिस इज हाउ इट कैन बी रिटर्न्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा, रिटेलर अपना टैक्स इनवॉइस इशू करेगा किस पर, होलसेलर पे, और होलसेलर अपना टैक्स इनवॉइस इशू करेगा किस पर, मैन्युफैक्चरर पे। बेटा क्लियर, दिस इज हाउ मेडिसिन विल बी रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर। अब ऐसे केस में क्या होगा, रिटेलर जब उसको बेचेगा तो उसकी लायबिलिटी आ जाएगी। अरे सर जब परचेज किया होता उस दवाई का उसने क्रेडिट भी तो लिया है, तो वो लायबिलिटी उस क्रेडिट के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगी। बच्चा क्लियर, सेम वे गुड्स में पास आ जाएगा बेटा। तो रिटेलर ने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने मेरे को दिया, तो होलसेलर ने जब मेरे को दिया होगा गुड्स, तो उसने अपना टैक्स इनवॉइस इश्यू किया होगा, उसके बेस पे वो गुड्स मेरे पास आ जाएगी। अब मेरे पास आएगी, अब दवाई आ गई रिटर्न होके, अब मैं उसको क्या करूँगा, क्या एक्सपायर मेडिसिन को बेच सकता हूँ क्या, कि रैपर चेंज किया और बेच दिया लिखा और एक्सपायर। क्लियर, ऐसा तो कर नहीं सकते। अब ऐसे केस में उस मैन्युफैक्चरर को दवाई क्या करनी पड़ती है, डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। अब सुनना बच्चों, डिस्ट्रॉय करते तो आपको पता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच ब्लॉक क्रेडिट आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। तो सर अगर वो लास्ट में टैक्स इनवॉइस के थ्रू मेरे पास आई, तो मानेंगे कि मैंने दवाई परचेज करी है, तो जितनी की सेल प्राइस होगी वो मेरे लिए परचेज प्राइस होगी बेटा। अब वो परचेस प्राइस जो टैक्स लगा हुआ आया होगा वो मेरे लिए इनपुट पे टैक्स हो गया बेटा एक तरह से। अब वो दवाई अगर मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ तो उसका मेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, और सर उतना मेरा एक तरह से लॉस हो गया आईटीसी का। पर अगर सर क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स आता तो ये मानते सेल रिटर्न हुआ है। अब सेल रिटर्न अगर होता है और अब उस दवाई को मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रॉय करता हूँ, डिस्पोज ऑफ करता हूँ, तो उस दवाई को बनाने में जो इनपुट काम आए होंगे, उस इनपुट का मेरी परचेज प्राइस होती है मेरी कॉस्ट, उस कॉस्ट के इनपुट का प्रोपोर्शनल आईटीसी मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। पर अगर टैक्स इन्वर्स थ्रू होलसेलर से मेरे पास अगर दवाई आएगी रिटर्न होके, तो पूरी सेल प्राइस होती है उस दवाई की, उस पे जो टैक्स लगा था उतना पूरा मेरे को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। क्लियर, डन, ओके। सरकार अगला पॉइंट था, लास्ट पॉइंट सर, कि सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता हूं, और अगर रजिस्टर्ड हूं तो क्या दादागिरी है, जितनी मर्जी उतना टैक्स ले, नहीं उतना ही लेगा जितना लोन है प्रिस्क्राइब किया, उतना ही टैक्स लेता है, उससे एक्सेस टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। और ध्यान रखना, अगर किसी ने भी अनऑथराइज टैक्स कलेक्ट किया है तो उसको टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा एज इट इज द नॉर्मल टैक्स। और हाँ सर, सेक्शन 33 बोलता है कि आप जब भी टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हो तो वहाँ पर टैक्स का अमाउंट हमेशा अलग से इंडिकेट होना चाहिए, आप बिल को इंक्लूसिव टैक्स करके इशू नहीं कर सकते। भारत माता की जय, चैप्टर खत्म होता है। अब ध्यान रखना, नवंबर 20 है, उसके बाद जिसके एग्जाम्स है उनके लिए दो पॉइंट और एड हो गए। दो पॉइंट तो क्या ऐड हुए, छोटा सा पॉइंट बेटा, एक सेक्शन 31A ऐड हुआ है, वहाँ बोला है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ एसएससी को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है कि इन सप्लायर को अपने कस्टमर्स को डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन देना पड़ेगा, और वो कस्टमर उनको डिजिटल पेमेंट के थ्रू डिजिटल मोड के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये सेक्शन 31A ऐड हो गया है। पर हाँ, एट प्रेजेंट कोई भी कैटेगरी ऑफ पर्सन नोटिफाई नहीं करी, इसलिए सेक्शन एप्लीकेबल हो गया, पर अब तक पर्सन नोटिफाई नहीं किए, इसलिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं हुआ सेक्शन 31A। अच्छा, एक और सर्कुलर इशू हुआ लास्ट मंडे जो नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल हुआ, पर हाँ ये सर्कुलर है, ये ऑलरेडी जो आपने प्रोविजन पढ़े उसके अकॉर्डिंग ही है बेटा। तो जिनके जुलाई 20 एग्जाम भी, उनको भी इसका आंसर बताया, सर्कुलर मेयर क्लेरिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। ओके सर, क्या हुआ, कोविड-19 हुआ बेटा। अब जब कोविड-19 मार्च में डिक्लेयर हुआ, लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, तो क्या हुआ, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे बेटा। अब सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आपने मुझे एडवांस पे कर दिया मान लो। अब किसी कस्टमर ने सप्लायर को एडवांस पे कर दिया और मैंने मान लो टैक्स इनवॉइस उसको इश्यू कर दिया, और बाद में कोविड-19 वजह से जब लॉकडाउन हो गया तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कैंसिल। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में बोला कि उस एडवांस को अगर मैंने रिफंड दिया तो क्या करूंगा, सिंस मैंने ओरिजिनली टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, अब मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। अब क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, जितना अमाउंट मैंने रिफंड किया तो उतना अमाउंट की मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी बेटा। तो वो अमाउंट की लायबिलिटी मेरी जिस मंथ में मैंने क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ की लायबिलिटी से कम हो जाएगा, या फिर अगर उस मंथ की लायबिलिटी है ही नहीं तो आई कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सेकंड, अगर मैंने मान लो आप सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था, सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने मुझे एडवांस दिया और मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया था बेटा, और रिसीट वाउचर आया इशू किया और मैंने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो मैं आपको रिफंड वाउचर इशू कर दूंगा, और जितना अमाउंट मैंने आपको रिफंड किया उतना प्रोपोर्शनेट मेरे को जो टैक्स अमाउंट था वो गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा बेटा, और रिफंड फॉर्म के थ्रू मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ। लास्ट बात, अगर मैंने गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया था बेटा, अब गुड्स का रहा है, अब गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने गुड्स भेज दिया आपको, रिमूवल कर दिया, और मैंने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया, और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। अब लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, अब साहब 2 महीने तक ट्रांसपोर्ट बंद है, अब आपने कहा माल नहीं चाहिए, माल लेके मैं क्या करूंगा साहब, तो मैंने वो गुड्स रिटर्न ले लिया बेटा। अब गुड्स रिटर्न लिया तो टैक्स का क्या होगा, तो अगेन गवर्नमेंट बोला कि ऐसे केस में सप्लायर कैन इशू क्रेडिट नोट, वो क्रेडिट नोट इशू करके जो टैक्स उसने पे किया
उसका बेनिफिट वो ले सकता है और वो लायबिलिटी में से कम हो जाएगा उस मंथ की जिस महीने में वो क्रेडिट इश्यू करेगा, और अगर उस मंथ की लायबिलिटी नहीं थी तो ही कैन ऑल्सो क्लेम द रिफंड बाय फाइलिंग फॉर्म अंडर रिफंड्स। क्लियर डन, ये सर्कुलर एड हुआ, कोई खास बात नहीं, कोई नया पॉइंट नहीं था, जो हमने पढ़ा वही पॉइंट था बेटा। क्लियर, ये पूरा चैप्टर में 12B एक एक लाइन एक एक पॉइंट, भारत माता की जय, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और माहौल जबरदस्त। डन, थैंक यू।